पश्चिम भारत और राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में आज तापमान में पहली बार अत्यधिक गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज का तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया। तो वहीं अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर की बात की जाए तो तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे रहा। माउंट आबू में इस सीजन में भी पर्यटक काफी मजा ले रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 20 डिग्री पर ये तापमान रहा है। माउंट आबू में इस सीजन में भारी संख्या में पर्यटक बर्फ देखने आते हैं। माउंट आबू का बरकतुल्लाह खान स्टेडियम पोलो ग्राउंड में चारों ओर बर्फ जमे पर्यटक इसके मजे ले रहे हैं। न कि झील में शिकार ऊपर बर्फ जमी देखी गई। हमारे संवाददाता अनिल एरन पर्यटकों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। किस प्रकार से माउंट आबू के अंदर सर्दी के अंदर भी पर्यटन सीजन होता है और आप माउंट आबू घूमने आए, इस ठंड का मजा लेंगे? एक्चुअली नवंबर दिसंबर बेस्ट सीजन है आबू घूमने का, और जो विंटर में इसका जो लुक होता है वो आपको और कोई सीजन में देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो नकी लेक में जो मजा आता है, जो रात का व्यू है, जो मॉर्निंग की ठंडी में जो उसका नकी लेक का व्यू आप हमें देख ही रहे कि ठंडी है, बट सीरियसली उसका मजा कुछ और ही है। तो नवंबर दिसंबर बेस्ट सीजन है, आपको बहुत सुपर लुक देखने को मिलेगा। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, ये सर्दी का मौसम है कहीं ना कहीं? मैं तो आबू में से पढ़ा हुआ हूँ, बचपन में आबू में पढ़ा था, अभी वापिस आया हूँ कल देखने के लिए। बट सर्दियाँ यहाँ पे हमेशा गुलाबी रहती है, और सब जानते नहीं होंगे बट ज्यादातर यहाँ पे जो स्कूल है उनको विंटर में ब्रेक मिलता है, छुट्टियां होती है, जबकि अपने नीचे जब भी जाते हैं तो उनको समर ब्रेक मिलता है। यहाँ पे ठंड इतनी होती है और टूरिस्ट भी इस ठंड का मजा लेने के लिए आते हैं यहाँ पे, और आई थिंक आसपास ऐसी कोई जगह है नहीं जो ऐसे मजे करवा सके।